This is paper 1-2 October-November 2017. First question of this paper is of binomial expansion. Find a term independent of x in the expansion of 2x minus 1 over 4x square whole power 9. इसको अगर हम टोटल एक्सपेंड करें तो इसकी टर्म्स आती हैं 10. ये देखें पावर जितनी हो उसमें से उसमें 1 ऐड करें तो उतनी इसकी टर्म्स होंगी अगर इसको फुली एक्सपेंड करें. बट हमने फाइंड क्या करना है, टर्म ऐसी टर्म फाइंड करनी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जिसमें एक्स ना हो. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वो टर्म फाइंड करनी है इसके एक्सपेंशन में जिसमें एक्स ना हो. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो. इसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने वाला फार्मूला यूज करेंगे. वो फार्मूला होता है फॉर एग्जाम्पल कि हमने ए प्लस बी इसको एक्सपेंड करना है तो स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी. तो एन सी आर ए पावर एन माइनस आर और बी की पावर होगी आर. दिस इज फार्मूला टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन. अब हमारे पास है ये क्वेश्चन 2x माइनस 1 ओवर 4x के होल रेज टू 9. यहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म 2x है, सेकंड टर्म ये माइनस 1 ओवर 4x स्क्वायर और n की जगह पे है 9. तो वी विल यूज दिस फार्मूला. इसमें सबसे पहले हमने r फाइंड करना है. 2x माइनस 1 ओवर 4x स्क्वायर होल पावर 9 वी राइट n c r. n इज 9, 9 c r. r को आपने ऐसा लिख लेना है क्योंकि r ही हमने फाइंड करना है. 2x पावर 9 माइनस r उसको ब्रैकेट में लिखना है. 2x को ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो मिस्टेक हो सकती है. और आगे है माइनस 1 ओवर 4x स्क्वायर इसकी पावर r यूजिंग दिस फार्मूला. नाउ वी विल यूज इंडिसेस रूल. ये पावर 9 माइनस r जो है 2 के ऊपर भी होगी और x के ऊपर भी पावर होगी. इसी तरह ये r पावर जो है माइनस 1 के ऊपर भी होगी, s 4 के ऊपर भी होगी, x स्क्वायर के ऊपर भी पावर r होगी. तो इनको सेपरेट कर लेते हैं. 9 c r 2 पावर 9 माइनस r x की पावर 9 माइनस r माइनस 1 पावर r 4 पावर r और x पावर 2 ऊपर आ रहे हैं तो x पावर 2 होल पावर r तो x पावर 2r बन जाएगा. x पावर 2r. अब हमने x की पावर को कलेक्ट करना है. यहां भी x की पावर है 2r और यहां x की पावर है 9 माइनस r. ये 2r जो है यहां पे आ जाएगा ऊपर वाले x के साथ पावर में, इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो वी राइट 9 cr 2 पावर 9 माइनस आर एक्स पावर 9 माइनस आर माइनस 2 आर माइनस 1 के ऊपर पावर आर ओवर 4 पावर आर. फर्दर सिंप्लीफाई 9 माइनस 3 आर ये बन जाएगा 9 सी आर 2 पावर 9 माइनस आर एक्स पावर 9 माइनस 3 आर माइनस 1 पावर आर ओवर 4 पावर आर. अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स जिसमें ना हो. एक्स इसका मतलब है कि एक्स को फिनिश कैसे कर सकते हैं, जब एक्स पावर 0 हो, क्योंकि एक्स पावर 0 1 होता है तो फिर खत्म हो जाता है.
अगर एक्स की पावर वन हो तो एक्स ही रहता है, अगर एक्स टू है तो एक्स स्क्वेयर, अगर एक्स पावर जीरो हो तो फिर जो है वो खत्म हो जाएगा, एक्स फिनिश हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएंगी। तो सो हमने 9 - 3r को जीरो पुट कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की पावर जीरो लेके आना ताकि एक्स फिनिश हो जाए। तो सो 9 - 3r को हम जीरो पुट करेंगे, यहाँ से 3r = 9 और r = 3। अब हमने r फाइंड कर लिया है, r यहाँ यहाँ भी r आ रहा है, वहां पे हम 3 पुट कर देंगे, तो वी गेट 9c3 2 - 9 - 3 = 6, एक्स पावर जीरो, क्योंकि हमने 9 - 3r को जीरो पुट किया है। वैसे भी r की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स की पावर जीरो आ जाता है। नेक्स्ट इज -1 / 3/4 / 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9c3, ये कैलकुलेटर से हमें मिलेगा 84 मल्टीप्लाई 2 / 6 दैट इज 64, एक्स पावर जीरो दैट इज 1, -1 / 3 दैट इज बिकम्स -1 / 4 / 3 दैट इज 64। तो ये 64 जो है 64 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और 84 मल्टीप्लाई होकर -84 आ जाएगा। तो सो -84 इज द टर्म वेरी क्लियरली दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये वो टर्म है जिसमें एक्स नहीं है। तो सो -84 इज द रिक्वायर्ड आंसर।